इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों से पहले, अरबाज मुल्ला का कत्ल और इसी तरह से अपनी में हुआ मासूम बच्चे का कत्ल, इस पर बात करते हैं। अरबाज मुल्ला का कत्ल कितना बेरहमी से किया गया, इसका महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अवाम में काफी गुस्सा देखा जा रहा है, पुलिस पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुतालबात पेश किए जा रहे हैं। वैसे भी फिरका परस्त तंजीम के अफराद ही इसमें मुलविस होने की पक्की इत्तला पुलिस के हाथ लग चुकी है। राम सेना पिछले कुछ सालों में तशद्दुद के मामलों में मुलविस होने के भी सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं। एक और इत्तला यह भी हासिल हो रही है कि अरबाज मुल्ला एक तरह से मॉब लिंचिंग की तरफ पीटने के इम्कान भी सामने आ रहे हैं, उस पर चर्चा भी जारी। अभी पूरी तरह से सही तफ्तीश हुई नहीं है और तमाम मामला अभी मंजरेआम पर नहीं आया है, लेकिन जिस दिन कत्ल किया गया, एक ही तंजीम के अफराद बड़े पैमाने पर भीड़ की शक्ल में इकट्ठा होकर बेरहमी से पीट कर जान से मारने की फरियाद अरबाज की वालिदा नाजिमा ने पुलिस थाने में की है। लिहाजा इस बर्बरियत के जुर्म की तफ्तीश करने के लिए रामसेना तालुका सदर के साथ 8 अफरादों को हिरासत में लिया गया और भी तफ्तीश जारी है। लिहाजा कईयों को तफ्तीश के बाद रिहा भी करने की इत्तला हासिल हो रही है। मामले को रेल पुलिस से खानापुर पुलिस के हवाले करने की कार्रवाई भी जारी है। 8 अफरादों को जेर तफ्तीश रखा गया है, जिसमें उस लड़की को और उसकी मां को भी हिरासत में रखे जाने की खबर है, जिसे लेकर इस कत्ल को अंजाम दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस मामले में अरबाज मुल्ला के घर वालों को इंसाफ मिल सकता है, उस माँ को इंसाफ मिल सकता है जिसका वो इकलौता बेटा था। अब जिम्मेदारी पुलिस इंतजामिया की बढ़ जाती है। खानापुर के अवाम की जानिब से पुलिस को 3 दिन की मोहलत भी दी गई है और बरोज फिर हजारों की तादाद में खानापुर में एहतजाजी जुलूस निकाला जाएगा। खानापुर के कुछ लोगों से कत्ल के मामले में इंसाफ की उम्मीद पर पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि यकीनन फिरका परस्त तंजीमों को इख्तदार पजीर कुछ लीडरों की हिमायत हासिल हो सकती है और ये कोई नया मामला नहीं है, बल्कि बारहा ऐसा होता देखा गया कि इख्तदार की कुर्सी पर बैठे नेता इंतजामिया को अपनी सियासी रसूख के जरिए मनमानी करने की कोशिश करते रहते। इसलिए हमने कल खानापुर के कत्ल के मामले में भी कहा था कि क्या अब कर्नाटक भी यूपी के रास्ते पर चल पड़ा है। जब पहलू खान अखलाक को इसी तरह मारा गया तो जब जेल से रिहा होने वाले मुजरिमों पर फूल मालाएं पहनाई गई, इन्हें लीडर बनाया गया, इन्हें चुनाव में टिकट दिया जाता है, गिरफ्तारियां महज एक जाहिरी तस्वीर रहती है, पर किसी मासूम के कत्ल के जरिए जो खौफ माशरे में फैलाना चाहते हैं उस मकसद में इस तरह कामयाब भी हो जाते हैं। लिहाजा पुलिस इंतजामिया को चाहिए कि मुजरिमों को ऐसी सख्त सजा का मुतालबा अदालतों से करे कि किसी की जरूरत ना हो कि किसी का कत्ल करे। जिस तरह अरबाज मुल्ला का कत्ल किया गया वाकई इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात है। यकीनन सियासी लीडर मुजरिमों को बचाने में लगे होंगे या गिरफ्तारी के बाद किस तरह कुछ ही दिन जेल में पिकनिक की तरह ख्याल रखने वाले सियासी लीडर, जिनका काम ही माशरे में मुजरिमों को पैदा करना होता है, इनके किसी भी दबाव की परवाह ना करते हुए कार्रवाई कर इस तरह बर्बरियत को रोकने की हिम्मत दिखाए। पुलिस आवाम का भरोसा है, जब मुजरिम सजा पाएंगे तो आम इंसानों को इत्मीनान हो सकता है कि आज भी इंसाफ जिंदा है। लीडर कायद नेताओं को भी चाहिए कि नफरत का जहर घोलने से माशरे में मोहब्बत अमन भाईचारा कायम नहीं हो सकता, बल्कि अदावत नफरत दुश्मनी ही परवान चढ़ती है और एक दिन उस आग में उनका भी घर जल जाता हो। ऐसे मुजरिमों को या जुर्म की खेती को फलते फूलते देखना चाहते हैं, एक बार फिर अरबाज मुल्ला के कातिलों को सख्त सजा का इंतजार आवाम कर रही है। साथ में फिरका परस्तों की भी नकील कसी जाए, आखिर इन्हें इतनी हिम्मत मिलती कैसे, कौन सी ताकत इसके पीछे। लिहाजा जिम्मेदारी पुलिस मोहकमा की है जिस पर आवाम का भरोसा टिका हुआ। कैसे कैसे माशरे में जुर्म पनपते देखा जा रहा है। अथनी तालुका के खेत में अधजली मासूम लड़की जख्मी हालत में मिली। महज 2 साल की इस मासूम लड़की को सिविल अस्पताल में दाखिल किया गया था। किस तरह के दरिंदे समाज में रहते हैं इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस 2 साल के मासूम के तकरीबन जिस्म को जलाया गया था। पीठ पर भी जख्म के निशान थे। हलियाल अथनी के खेत में बेहोशी की हालत में यह बच्ची पाई गई। अस्पताल में दाखिल किया गया लेकिन कुछ इलाज ना होने की बिना पर आज मासूम बच्ची की मौत हो गई। अब क्या दरिंदों को सजा नहीं होनी चाहिए, ऐसे वारदातों से खौन खौल जाता है। मुजरिम कोई भी हो, किसी भी धर्म जात पात से क्यों ना हो, जुर्म का कोई धर्म नहीं होता। लिहाजा जो भी कातिल, फिर अरबाज मुल्ला का हो या इस 2 साल की मासूम का हो, सजा होनी चाहिए, ऐसा अवाम का कहना है।
संजय पाटिल लक्ष्मी हेब्बाल कर तनाजा बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर संजय पाटिल ने बैनर वार पर बोलते हुए कहा कि रात के अंधेरे में मराठी लोग कामों को अंजाम देते हैं, लिहाजा इनके इस बयान पर मराठी लोगों में काफी गुस्सा देखा गया, जिसे लेकर आज कुछ खवातीन ने एहतजाज करते हुए संजय पाटिल के बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मराठी लोगों के वोटों की बिना पर संजय पाटिल दो बार एमएलए हुए हैं और अब मराठी लोगों पर ही इल्जाम तराशी कर रहे हैं। क्या इस बयानबाजी से आने वाले चुनाव में मराठी लोगों की नाराजगी की कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा भी सवाल किया गया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस शोबे खवातीन की जानिब से भी एहतजाज किया गया और पुरजोर मजम्मत की गई। आइए कुछ तस्वीर देखें। मैडम नहीं बोलू शकता तो एक साधारण महिला काय बोलू शकती। एमएलए ह्या पदावर एमएलए पद म्हणजे काय साधं पद नाही आहे, तेवढे त्या पदाला त्यांनी अधिकार असा असताना सुद्धा त्यांनी हे संजय पाटील सर असं बोलू शकतात, तर एक साधारण महिला भाजी विकणाऱ्या महिला त्यांनी काय नाव ठेवू शकतील, एमएलएला नाव ठेवतात म्हणजे साधी गोष्ट नाही आहे। ह्या गोष्टीवर संजय पाटील सरांनी माफी मागलीच पाहिजे आणि कदाचित मागितले नाही तर ह्याच्यापेक्षा मोठं पण आम्ही मोर्चा काढू शकतो आणि त्यांनी ह्या गोष्टीवर माफी मागितलीच पाहिजे। आमच्या हिंदू संस्कृतीमध्ये आम्ही महिलांना आदर करतो, महिलांची पूजा करतो आणि एक माजी आमदार, एक महिला आमदार यांना रात राजकारणी म्हणतात, त्यांना कोण आई बहिणी मुलगी कोण नाही आहे काय, त्यांनी कसं बोलू शकतात, रात राजकारणी म्हणजे काय याचा अर्थ त्यांनी सांगावा आम्हाला। कारण आमचं आमदार ज्या लक्ष्मी हेब्बाळकर ज्या आमच्या आमदार आहेत हे आता 3 वर्ष संपली, 4th वर्ष चालू आहेत त्यांनी आमदार आहेत आणि आमच्या उचका ब्लॉकच्या ग्रामीण भागाच्या एक बुलंद आवाज हा लक्ष्मी हेब्बाळकर आहे आणि त्यांनी हे असं वक्तव्य करतात तर त्यांचा धिक्कार करते मी संजय पाटलांचा। आणि त्यांनी ओपनली येऊन त्यांनी माफी मागावी, कारण लक्ष्मी हेब्बाळकरना बोललं काय, आम्हा महिलांना बोललं काय, एकच ನೀವು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಗಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ರಾತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಶಾಸಕರಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಹಗಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿ ದುಡ್ದಿದ್ದಾರಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ನಾನು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊರಿತೀನಿ। ನಿಮಗೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ಷಮೆ ಪಡೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ನಿಮ್ಮ ನಾಚುಗಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ತೂ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಎನ್ನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎನ್ನಿಗೆ ಅವಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಬೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಅಂತ ನಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ಯಯ್ಯ ಕ್ಯಾ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಆಪ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಆಪೆ ಹಮಾರಿ ಶಾಸಕ ಕೋ ಅವಮಾನ ಕರ ರೇ ತೂ ಹೈ ತುಮಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರ ಔರ್ ತುಮ್ ಲೋಗೋ ಪರ। बेलगाम रेलवे स्टेशन के सामने तामीर शुदा बस अड्डे का काम मुकम्मल हो चुका है। इस हफ्ते इस बस अड्डे की इफ्तिताही इजलास वजीर आला के हाथों अमल में आने वाली। खानापुर गोवा कारोबार किन्हीं के लिए यहां से मुसाफिरों में बसेस से सफर करना पड़ता है, लिहाजा यहां भी मरकजी बस अड्डे की तरह मुसाफिरों की नकल हरकत रहती है। बेलगाम शहर की खूबसूरती में इस बस अड्डे से और भी इजाफा होने की बात कही जा रही। हाल ही में यादगीर गांव में हिंदू से ईसाई बनने के मामले को लेकर 4 अपराधों पर कार्रवाई की गई थी, लिहाजा हिंदू जागरण वेदिके के कारकुनान ने मजहब तब्दीली की कानून को रद्द करने की मांग हुबली में की है। इन्होंने मुतालबे में कहा कि पैसों के लालच दिखाकर गरीब हिंदुओं को ईसाई मजहब में लाया जा रहा है और रियासत के अक्सर चर्चों में इस तरह की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। जल्द धर्मांतर विरोधी कानून को मंजूरी की मांग इनकी जानिब से की गई। एक तरफ जहां भारत में आए दिन हिंदू मुस्लिम पर बहस देखी जाती है, वहीं कुर्ची में आबाजी फाउंडेशन की जानिब से मुस्लिम और हिंदू कुर्बा समाज की तरफ से बुरहानुद्दीन चिश्ती दरगाह पर चादर चढ़ाकर इत्तेहाद का मुजहरा किया गया। इस वक्त महबूब शेख, कासिम कंगनोली, अब्दुल चमन शेख, शिवराज अन्नाजी पाटिल, प्रताप राव अन्नाजी पाटिल, बैकुल होली और दिगर जिम्मेदार हजरात मौजूद थे। बेलगाम जिला और शहरी सतह पर मुस्लिम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के कयाम की कोशिश को लेकर मुख्तसर इजलास का एहतमाम नियाज होटल के हॉल में किया गया, जिसमें माशरे में नौजवानों में बढ़ती बेरोजगारी पर तबादला ख्याल करते हुए इंडस्ट्री के जरिए किस तरफ रोजगार फराहम किया जाए इस पर चेयरमैन जनाब मुश्ताक हुसैन फारूकी ने अपने ख्याल का इजहार। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक छोटी सी नशिस्त हमने बुलाई है कि हमारे माशरे को, ख़ासकर मुसलमानों को जो है उनकी रोज़ी को जोड़ने के लिए इंडस्ट्रियल बेलगाम ज़िला
मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन का एक कॉन्फ्रेंस रखना और उसके बाद में एक एसोसिएशन करना और बहुत सारे नौजवान जो हमारे तालीम याफ्ता हैं, रोज़ी की तलाश में हैं, इनको जो है रोज़गार की तरफ मोड़ना और ख़ासकर हमारी माएँ बहनें जो घरेलू इंडस्ट्री बना रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनके लिए भी जो है हमें राहें हमवार करना, उनको तरक्की देना, ये मकसद के तहत जो है बेलगाम ज़िले में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हमने मुनक़द करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज हमारे माहौल में सिर्फ अदबी मजहबी ऐसी ही जो है हमारे काम आ रहे हैं, कोई रोज़ी की तरफ नहीं सोच रहा है। हमारी कौम को किस तरह रोज़ी की तरफ जोड़ा जाए ये सोचने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये सोचकर जो है कदम उठाया है। और मेरे तमाम रफ़का को लेकर मैं जो है मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक आइडिया के तहत जो है एक अपने ख्याल को जो है बरूए कार लाने के लिए नौजवानों को लेकर मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं। और उम्मीद है कि हमारे लोग हमारी कौम इसमें इंडस्ट्री लाइन में आकर सरखरू हो और तरक्की करे और इसी तरह अपने वतन अजीज़ की भी जो है इसमें मोहब्बत के साथ इसको बढ़ावा करे, अपने वतन के साथ वतन की तरक्की में शाना बा शाना खांदे को खांदा लगा कर तरक्की करे, ये मेरी तमन्ना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस आवाज़ को जो है हर नौजवान जो बेरोज़गार है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खोलने के लिए हमसे राबिता काम कर सकता है इंशाल्लाह। तो मैं इतना कहकर जो है अपना दो बातें ख़त्म करता हूँ।